श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी। 20 फरवरी दिन मंगलवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं। तो अगर आपके घर में पैसे की कमी है, या फिर जो है कमाने वाले तो बहुत से सदस्य हैं, लेकिन आपका खर्चा बहुत ज्यादा, यानी किसी ना किसी वजह से आपका जो पैसा है वो खर्च होता रहता है, चाहे वो किसी बीमारी पर हो रहा है, कोई रोगी रहता हो आपके घर में, या फिर जो है कोई गलत संगत में पड़ गया हो, या बेफजूल का खर्चा आपका बढ़ता रहता है हर महीने, तो एक छोटा सा उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर आपको बताने वाली हूँ। एकादशी के दिन ही आपको ये उपाय करना है। महीने में दो एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। तो एकादशी के एकादशी ये उपाय करना शुरू करेंगे तो आपके घर में धन संपदा में भी वृद्धि होगी। आपका जो पैसा नहीं टिकता है वो भी आपका पैसा जो है आपके घर में रुकने लगेगा। आपके जो बिगड़े हुए काम है वो भी बनने लगेंगे। भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा। तो उपाय को पूरा जानने के लिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। उपाय अच्छा लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। उपाय करने के लिए गुरुजी ने हमें बताया है, जो हमने सात पत्तियां लेनी है, कौन सी लेनी है, हमने लेनी है बेलपत्री। बेलपत्री आप जो है सात पत्तियां सात सात सुंदर सुंदर आप ले लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बेलपत्री नहीं मिल पाती है, तो जब आप मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग पर पहले से ही लोगों ने शिवलिंग पर जो है बेलपत्री समर्पित की होती है, तो आप वहीं से सात बेलपत्री उठा लीजिए। उनको दोबारा से आपने जल के साथ धो लेना है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने लेना है एक पात्र। पात्र के अंदर आपने क्या डालना है, आपने डालना है थोड़ा सा गंगा जल। गंगा जल हम सभी के घर में होता है, तो थोड़ा सा एक कटोरी या थोड़ा सा जितने आपके पास हो उसी के अनुसार आपने थोड़ा सा गंगा जल आपने उस पात्र के अंदर डाल लेना है। और उसी पात्र के अंदर आपने जो सात बेलपत्री है वो गंगा जल के अंदर ही आपने डाल देनी है। मैं ये नहीं करूंगी कि पूरा लोटा आप गंगा जल का भरकर लेके जाएं, जितने आपके पास हो मात्र आप चाहे थोड़ा सा ही गंगा जल ले लें, लेकिन केवल गंगा जल ही लेना है। साथ में आपने उसके अंदर सात बेलपत्री डालकर जाना है आपने भोले बाबा के मंदिर में। सबसे पहले तो जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं नंदीश्वर भगवान के। नंदी बाबा जहाँ पर विराजमान होते हैं वहां पर आपने क्या करना है, आपने अपनी कामना के साथ, माँ लक्ष्मी की कामना के साथ आपने जो गंगा जल है पात्र के अंदर, वो आपने जो नंदी बाबा का उठा हुआ पांव है, आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि एक पांव जो है वो झुका हुआ होता है और एक पांव उठा हुआ होता है, तो जो उठा हुआ पांव है वहां पर आपने गंगा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद पात्र में आपके पास बचेंगी सात बेलपत्री, वो आपने भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए आपने जो है कामना करते हुए आपने सात बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। थोड़ी देर के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, भोलेनाथ के मंत्र का जाप करिए, जो भी आप जाप करते हैं, और अपने घर आपने वापस आ जाना है। केवल एकादशी के एकादशी ये उपाय करना शुरू करेंगे तो आपके घर में धन संपदा में भी वृद्धि होगी। जो व्यर्थ में आपका पैसा खर्च होता है वो भी रुकने लगेगा। जो घर में बीमारी पर पैसा लगता है वो भी बंद हो जाएगा। तो सरल सा उपाय है, अवश्य एकादशी के दिन इस उपाय को करें और इसका लाभ हासिल करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।